अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस वीडियो इज फॉर क्लास 10 देदास के पद। ये पार्ट 4 है वीडियो का। इसमें हम लोग थर्ड स्टैंजा जो है पोएम का वो पढ़ेंगे, ठीक है। अविगत नाथ निर्जन देवा, मैं का जानू तुम्हारी सेवा। अज्ञान सबका अविगत मतलब अज्ञान, जो अज्ञान है जिसके अंदर ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है। नाथ सबका स्वामी भगवान को कहते हैं, जो सबका पालनहार है। निर्जन जो सब में व्याप्त है, सबके अंदर है। देवा भगवान जो अज्ञान है, जो सबका नाथ है, जो सबका स्वामी है, जो सबका देखने वाला है, जो भगवान है, उनकी सेवा मैं का जानू तुम्हारी सेवा। यहाँ पे रेदास जी कहते हैं जो तुम्हारी सेवा मैं किस तरह कर सकता हूँ, कैसे मैं जानू तुम्हारी सेवा को। तुम तो सबके स्वामी हो, सबके अंदर व्याप्त हो, तुम भगवान हो, मैं तुम्हारी सेवा किस तरह कर पाऊँ। मैं अज्ञानी हूँ, मेरे अंदर ज्ञान नहीं है कि मैं किस तरह से तुम्हारी सेवा करूँ। बांधू न बंधन, छाऊ न छाया, तुम ही सऊ निर्जन राया। किसी तरह का बंधन में रिश्ते में किस तरह से मैं तुम्हें बांधूं। तुम ही सेऊ तुम निर्जन राया, तुम्हारी सेवा जो है मैं किस तरह से करूं ये मुझे समझ में नहीं आता है। चरण पाताल शीश आसमान। चरण मतलब पैर, पाताल मतलब पाताल लोक, शीश मतलब सर, आसमान मतलब आकाश। सो ठाकुर कैसे संपत्ति समाना, जहाँ पे ये सब चीज जो ठाकुर हर जगह है, चरण में है, पाताल में है, आकाश में है, ब्रह्मांड में है, सब जगह है। उस ठाकुर को कैसे संपत्ति के समान मैं समझूं, कैसे अपने प्रॉपर्टी के समान समझूं। शिव संकादिक अंत न पाया, शिव जो है भगवान शिव जो है उनके बारे में कहा गया है। संकादिक जो उनका सबसे प्रिय शिष्य था उसके बारे में कहा गया, अंत न पाया, तुम्हारा कोई अंत नहीं खोज सका है। खोजत ब्रह्मा जन्म गवाया, और इस ब्रह्मांड में खोज खोज कर मैंने तुम्हें अपना पूरा जिंदगी गवा दिया है। तोंदू न पाती, पूंजू न देवा, सहज समाधि करूं हरि सेवा। इस पंक्ति में रेदास जी कहते हैं, तोंदू न पाती, पूंजू न देवा, सहज समाधि करूं हरि सेवा। तोंदू न पाती जो बेल का जो पत्ता होता है जो भगवान को चढ़ाया जाता है उसके बारे में कहा गया। तोंदू न पाती, पूंजू न देवा, पत्थर का जो भगवान है, उस जो देव है उसको भी मैं पूछता नहीं हूँ, ना मैं बेल का किसी तरह का पत्ता भगवान को चढ़ाने वाला हूँ और ना ही किसी तरह के पत्थर को पूजने वाला हूँ। सहज समाधि करूँ हरि सेवा, सहज समाधि मतलब सिर्फ राम का नाम का जाप करने वाला हूँ। सिर्फ नाम, राम का जो नाम है, भगवान राम का जो नाम है, उस नाम की सिर्फ मैं जाप करने वाला हूँ, और यही जो है हरि सेवा है, और यही सेवा जो है राम नाम का जो जाप है वही जो है भगवान की सेवा है, भगवान की पूजा है। नख प्रसदे जाके सुरसरी धारा, रोमा वाली 18 भारा। नख मतलब नाखून, जो नेल्स हम लोग का होता है। प्रसादे जाके सुरसुरी धारा, नाखून से जिसके पसीने से एक सुरसुरी, एक गंगा की जो धारा निकली है। रोमा वाली 18 भारा, और जिसके रोम रोम में जो 18 तरह के पुराण बसे हैं। चारी वेद वेद जाके सुमृति सासा, भक्ति है हेत गावे रेदासा। और जिसके मुख से चारों वेद निकला है, जो साम वेद, युग वेद, अर्थ वेद, त्रिग वेद जो है, जिसके मुख से ये चारों भेद निकला, जिसके सांसों से चारों भेद निकला है। भक्ति हेत गवाए रेदासा, और भक्ति ऐसी ही भक्ति जो रेदासा जो है, रेदास जो है केवल ऐसी ही भक्ति करना चाहते हैं। अर्थात व्याख्या क्या है इसका, कवि का मानना है कि ईश्वर सर्वदा और सब में व्याप्त होते हुए भी बुद्धि से परे हैं। कवि का मानना है कि ईश्वर जो है हम में हमेशा रहते हैं, हमारे अंदर ही हमेशा रहते हैं, लेकिन ये मनुष्य की बुद्धि से जो है
परे है, मनुष्य इसको समझ नहीं पाता है, जिसके विषय में कुछ सोचा और कहा नहीं जा सकता, जिसके विषय में जिस टॉपिक पे ना कुछ सोचा जा सकता है और ना ही कुछ कहा जा सकता है, उसको भला किस प्रकार की भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है, और उसको किस प्रकार की भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है जिसके बारे में ना हम सोच सकते हैं ना कुछ कह सकते हैं। उसे प्राप्त करने के सेवा भाव को मैं भला सहज साधारण भक्त जैसे जान सकता हूँ, और उसको उसे प्राप्त करने की सेवा भाव को भला ही वो कैसे जान सकता है, सहज ढंग से साधारण ढंग से वो किस तरह उसको जान सकता है। ऐसे भगवान को संसार के किसी प्रकार के संबंधों में बांधकर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो निसीमा है, और निसीमा है, उसे सीमा में रखने की सीमिति बनाने की बात हस्य पदा ही है, और ऐसे भगवान को किसी भी प्रकार के बंधन में संबंध में बांधकर नहीं रखा जा सकता, प्राप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो निरसीमा है। निरसीमा मतलब जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, उसकी कोई सीमा ही नहीं है, और ऐसा सोचना भी केवल हंसी है, केवल मजाक है, ये चीज सोचना भी मजाक है। ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त अलक निरंजन को तो सेवा भाव की सहजता से ही प्राप्त किया जा सकता है, और ब्रह्मांड में इस पूरे विश्व में के कण कण में हर एक कोने में अलक निरंजन जो भगवान बसे हैं, उन्हें सिर्फ सेवा भाव की सहजता से ही प्राप्त किया जा सकता है, केवल सेवा भाव से ही हम इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। जो आकाश से पाताल तक फैला हुआ है, जिसकी व्यापकता अनंत है, जो आकाश से पाताल तक फैला हुआ है और जिसकी व्यापकता जो है अनंत, उसका कोई सीमा नहीं है, वो हर जगह है, ब्रह्मांड में बोलो, पाताल में बोलो, आकाश में बोलो, वो हर जगह, उसकी कोई सीमा नहीं, सीमा रेखा उसकी कुछ नहीं है। ऐसे ईश्वर को दृष्टि में भ्रुकोटि के मध्य से कैसे स्थापित किया जा सकता है, और ऐसे ईश्वर को दृष्टि में अपने नजरों में भ्रुकोटि में के मध्य में अपने भावों के बीच में जो यहाँ पे जो दोनों आईब्रोज के बीच में जो हमारा जो मस्तिष्क होता है वो कहा जाता है कि हमारा सिक्स सेंस वहाँ पे रहता है, तो इस जगह में हम अपने सिक्स सेंस से भी इसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जिसके गुणों का गान करते भगवान शंकर और सनक आदि ऋषि मुनि भी हार गए, अंत नहीं पा सके, और जिसका ऐसे ईश्वर की गुणगान करते हुए भी भगवान शंकर और सनक आदि ऋषि मुनि जो सनक जो है सनकादि जो है एक बहुत बड़े ऋषि मुनि थे है, वो भी हार गए हैं, वो भी इसका अंत नहीं पा सके हैं, ऐसे ईश्वर का अंत नहीं पा सके हैं। स्वयं ब्रह्म देवता को भी कई जन्म लेना पड़ा, और स्वयं ब्रह्म देवता जो है उनको भी ऐसे ईश्वर की प्राप्ति के लिए कई जन्म लेना पड़ा है। ऐसे ब्रह्मा को भक्त रेदास दिखावे की भक्ति अर्थात बेल पत्र चढ़ाकर पत्थर पूजकर ब्रह्मांड वाहे आडंबर करके नहीं, बल्कि नाम जाप की सहज सेवा करके प्राप्त करना चाहते हैं। और ऐसे ईश्वर को भक्त रेदास जो है किसी प्रकार का दिखावा करके, किसी प्रकार का बेल पत्र चढ़ाकर, बेल के पत्ता को चढ़ाकर या पत्थर को पूजकर या बाहे आडंबर दिखावा करके नहीं प्राप्त कर सकते, वो केवल नाम जाप से ही प्राप्त कर सकते, वो केवल ईश्वर का नाम लेकर ही सहजता से वो ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। जिसके नाखून के पसीने से गंगा की धारा निकली हो, जिसके रुए रुए में अठारों प्राण समाए हुए हो, और जिसके नाखून के पसीने से गंगा की धारा निकली हो, जिसके रुए रुए में अठारह पुराण, जिसके हर एक रुए में अठारह प्राण समाए हुए हो, चारों वेद जिसके मुंह से सांस के रूप में निकले हो, चारों वेद जो है जो हमारा वेद जो वेद है साम वेद यजुर्वेद अर्थवेद त्रिग्वेद ये चारों वेद जो है जिसके सांस से चारों वेद निकले हो, जिसके गुणों का गान करके ही भक्त रेदास अपनी भक्ति को पूर्ण मानते हो, और जिसके गुण का गान करके जिसके इतने सारे गुण हो उसके गान करके ही भक्त रेदास जो है अपनी भक्ति को पूर्ण मानते हैं, उनकी भक्ति तभी पूर्ण हो सकती है जब वो केवल
उसका नाम का जाप करके उसकी सहजता से उसको प्राप्त कर सके। ठीक है, ये स्टैंजा 3 था और वीडियो का पार्ट 4 था। नेक्स्ट पार्ट जो है स्टैंजा 4 जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।